की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हलके हलके हो मिले। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। गीतों को सजाना इनकी कला है और संगीत बनाना हुनर। मौसिकी की दुनिया के एक ऐसे फनकार जिनके संगीत का सुरमई संगम सीधा रूह में उतर आता, जिनके फन के जादू ने भारतीय जनमानस को एक संगीत में बांधकर आजादी के असल मायने समझाए। सितार, तबला, मंजीरा से निकली वो मदहोश करने वाली ताल कितने ही सदाबहार गीतों को हिट कर गए। अनसुनी कहानियों के सफर में आज बात थिएटर से गीत संगीत की ओर रुझान रहा। बड़ी बहन मीना के सुरों का जादू अशोक को संगीत की दुनिया से जोड़ता है। गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से। मेरे को संगीत की जो लगाव हुआ, मतलब संगीत से, वो बहन की वजह से हुआ। बहन बहुत अच्छा गाते थे बचपन में, तो लोग उसे ऑर्केस्ट्रा में बुलाते थे। मतलब तो ऑर्केस्ट्रा तो हो गया, मतलब पुणे में, नागपुर में, बम्बई में चालू था। वो सुन के, मतलब होता है ना कि बड़े बड़े में संगीतकार थे उस ज़माने में, शंकर जी किशन बहुत बड़े थे, हर वक्त लताबाई नहीं आ सकती थी शो में, तो वो मीना को बुलाते थे, मतलब बहन को। मेरा काम क्या था तभी कि मैं कुछ भी नहीं, मतलब सारे गाँव भी नहीं जाता था, तो उसके साथ जाना, सामने बैठना और ताकते रहने का, ये म्यूजिशियन कैसे बजा रहा है, ये कैसा गा रहा है, ये क्या कर रहा है, एकॉर्डियन मतलब क्या, ढोलक मतलब क्या, ये सब म्यूजिक से लगा होने की वजह से मैं ये करता था। शंकर जयकिशन, सुमन कल्याणपुरी, जितेंद्र अभिषेकी जैसे संगीत विद्वानों के शागिर्द रहे अशोक को गीत संगीत की दुनिया में अशोक का इस मुकाम तक आना थोड़ा कठिन रहा। मराठी रंगमंच के गीतों से करियर की शुरुआत करने वाले अशोक पत्की की लाइफ में गायिका बहन का वो शुरुआती सहयोग उन्हें कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा। फिर चाहे सेकंड हैंड हारमोनियम लेना हो या संगीत विद्वानों की तालीम, बिना बड़ी बहन के सहयोग से कुछ भी मुमकिन न हो सका। दिन मेरे को ऐसा लगा कि अरे मुझे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए बजाने को, या अपने लिए, ऐसा आगे जाके संगीतकार बनूंगा ये होगा ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बहन के पॉकेट मनी, मतलब उनको जो विदागे मिलती थी, मतलब नाइट बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, तो उसमें से, तभी कितना पेमेंट था उनका, 5 रुपये 10 रुपये उस ज़माने में, 10 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 5 रुपये तो होता है, तो 5 रुपये का भी 4 आना 8 आना ऐसा जमा करके मैं अपना एक बॉक्स में जमा करता था। 35 रुपये जमा हो गए मेरे, मैं बोला अभी जाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट की दुकान में, तो वहाँ एक हारमोनियम तो मेरे को मिलेगी 30-35 रुपये में। हारमोनियम खरीद संगीत में मन बना चुके अशोक ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मशहूर हारमोनियम वादक पंडित मनोहर चिमोटी की संगत में ली। गुरु के रूप में मनोहर साहब के प्यार ने अशोक में आत्मविश्वास पैदा किया। सुर सितार का मिश्रण हो या हारमोनियम का रदम, चंद महीनों में सीखकर अशोक ने अपनी पहचान एक हारमोनियम वादक के रूप में बना ली। ग्रैंड रोड में उनका क्लास था पंडित मनोहर चिमोटी जी का, तो वहाँ गया और मैं उनसे बोला कि मेरे को हारमोनियम, बोला ठीक है आ जाना 1 तारीख से। 1 तारीख से कितना फी, तो 30 रुपया, तो डैडी को कैसे भी मना लिया उन्होंने, ऐसा बोला ठीक है, और इतना फर्क पड़ा मैं, मतलब मेरे में, 1 महीने के बाद मैंने उनको जब 30 रुपया दिया मास्टर जी को, पंडित जी को, तो बोले अशोक अभी कल से मत आना। तो मैं बोला मेरे को तो एकदम ये हो गया, तो बोला ये क्लास बंद कर रहा हूँ मैं विरार में कर रहा हूँ, मतलब बहुत दूर, तो तुम तो वो क्लास अपना स्कूल छोड़ के तो नहीं आ सकते हो। तो बोला हाँ सही बात है, तो मेरे को एकदम मतलब रोना आ गया, मतलब तो बोला मेरे हाथ रखा पीठ के ऊपर और बोला रोना नहीं, तुम 1 महीना मेरे पास आया सिर्फ, लेकिन 1 साल का निकाल लिया तुमने मेरे से, तो मतलब इतना लगन था कि म्यूजिक से।
हारमोनियम वादक के रूप में महफिलों की जान बन चुके अशोक का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। काम की तलाश और कानों की भूख उन्हें सोने नहीं देती थी। अशोक काफी हताश थे। इस बीच समय ने करवट ली। अशोक को मिला एक नई गुरु माँ का साथ। जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर की सोहबत में आने के बाद अशोक की किस्मत में चार चांद लग गए। अपने पहले ही परफॉर्मेंस में सुमन कल्याण जी के खास हो चले अशोक ने करीब 18 सालों तक उनके साथ काम किया और यहां से शुरू हुई अशोक की वो पहचान जिसके आज वो हकदार हैं। ऐसा करते करते सुमन कल्याणपुर को कोई हारमोनियम वाला चाहिए था, तो मैं बोला, मेरे को बोला कि अशोक तुम्हारा नाम बोला है उधर, तुम जाना ऑडिशन देना। बोला ठीक है। उनके पास गया, बजा बजा के बताया तो खुश हो गए, एकदम परमानेंट हो गया। तो बोला अभी तुमको ये सब संभालना है, मतलब तुम मेन हो गए, बाकी मेंडोलिन वाला होगा, रिदम वाला होगा, गाना बिठाना ये सब तुम्हारा काम। बोला ठीक है। समझो मैं 68 में ये किया कि उनको ज्वाइन किया, दो तीन महीने में पता लगा कि मतलब तब तक 69 शुरू हो गया था कि अपन वेस्ट इंडीज जा रहे हैं शो के लिए। मतलब पहला भगवान जब देता है फाड़ के, छप्पर फाड़ के देता है, वैसा हो गया। अरे सब खुश हो गए एकदम। अरे पहला ही ट्रिप वेस्ट इंडीज़, इस साल अपन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अमेरिका जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर और कहीं जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सब चालू हो गया। 18 साल तक सुमन जी के साथ फॉरेन टूर्स किए। देश विदेश में अपने हारमोनियम किताब से संगीत प्रेमियों को अपना मुरीद बना चुके अशोक ने उस दौरान फिल्मी गीतों की ओर रुख किया। शुरुआत हुई हिंदी और मराठी फिल्मों से। 1962 में आई हिंदी फिल्म असली नकली के इस गीत से अशोक का फिल्मी करियर शुरू हुआ। शंकर जयकिशन के कंपोज किए इस गीत में अशोक अपना खास योगदान बताते हैं। गुरुजी रखना, उनका पगार देना, ये करना, तो ये इतना नहीं था। तो मैं बोला अपने आप ही सीखो ना। तो मैंने मेरा पहला गाना सिंपल क्या तो, गाना कौन सा है तो मैंने ही ढूंढ के निकाला। शंकर जी किशन का गाना था तेरा मेरा प्यार, ये रात भीगी भीगी, ये सब मतलब आवारा हूँ, ये वो एक के बाद गाने हो गए। 70 के दशक में संगीतकार के रूप में अशोक की नई पहचान काफी फायदेमंद रही। एक के बाद एक हिंदी और मराठी फिल्मों के साथ उन्हें सीरियल्स और नाटकों के गीत कंपोज करने का मौका मिला। अभिनेत्री, ब्रह्मचारी, हंसत खेलत, कबड्डी कबड्डी आदि अशोक के चर्चित नाटक रहे। नाटकों के अलावा फिल्म रानी और जानी, अभिमान में भी अशोक ने म्यूजिक दिया था। मेरे को जो पहला ड्रामा मिला वो पंडित जितेंद्र अभिषेकी ने दिया। उसके पहले मैं उनके साथ काम किया था, मतलब बहुत सारा काम, संगीत ड्रामा, मतलब क्लासिकल गाने होते थे जैसे कि कट्यार कालिदास भोसले, लेकुरे उदण झाले, मीरा मधुरा, ये याति देवयानी, ये सब क्लासिकल सब ऐसा। तो उनके असिस्टेंट दौर पे उनके साथ रहता था। प्लेबैक का ये नहीं है उसमें, ड्रामा में तुम्हारा जो भी है खुद गाओ। तो मैंने कंपोज किया, टांग टिंग टिंगा कटांग टिंग टिंगा, टांग टिंग टिंगा कटुंग, टांग टिंग टिंगा कटांग टिंग टिंगा, टांग टिंग टिंगा कटुंग, मारुति चा बेंबीता शिरला बाई भूंगा, टांग टिंग टिंगा कटांग टिंग टिंगा, टांग टिंग टिंगा कटुंग। तो ये गाना इतना मतलब हिट हो गया। 2000 शोज हाउसफुल, फॉरेन में भी जाके आए तो हर जगह हाउसफुल हाउसफुल। करियर की शुरुआत में अशोक को गीत संगीत के जादूगर पंचम दा का साथ भी मिला। आर डी बर्मन और शंकर जयकिशन के साथ एक रिदमिस्ट के तौर पर काम कर अशोक का नाम स्क्रीन पर तो ना चमक सका, मगर अपने इंस्ट्रूमेंट से बेहतरीन म्यूजिक देकर अशोक हिट गीतों का हिस्सा बनते रहे। इसका एक उदाहरण है देवानंद और वाहिदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत। धरती का तारा मैं जर्रा आवारा, वो तेरा मेरा प्यार निराला, तेरा मेरा प्यार निराला। तो वहाँ से मेरी शुरुआत। तो कभी कपास बजा रहा है, कभी डुग्गी बजा रहा है, कभी मादल बजा रहा है,
कुछ भी, मतलब आज ये बजाओ बोला तो बजाने, मैं रिदम भी अच्छा बजाता हूँ तो मेरे को कभी वाइब्रोफोन वाला नहीं आया, तुम वाइब्रोफोन बजाओ, तुम अभी बेल्स रहते हैं ना चर्च बेल, और टंग टंग, ओ कौन सा गाना था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, तो उसमें एक म्यूजिक है टंग 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 वैसा, तो ओ, आज ये बजाओ तुम, तो कुछ भी अच्छा, कुछ नहीं तो उधर किशोर कुमार और आशा भाई को 1-2 करो। 80 का दशक तो अशोक के लिए कामयाबी की सौगात लेकर आया, उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वंदे मातरम और जन गण मन के बाद तीसरा सबसे लोकप्रिय गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा कंपोज करने का मौका मिला। गीत लिखा पीयूष पांडे ने, लेकिन संगीत से सजाया था अशोक पत्की ने। 14 भाषाओं में गाए गए इस गीत में बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक देकर अशोक जी संगीत की दुनिया के कई अवार्ड्स और मेडल अपने नाम कर रहे थे। ये आइडिया आया मलिक करके एक प्रोड्यूसर था जो जिंगल भी बनाता था, शॉर्ट फिल्म भी बनाता था, तो उसके दिमाग में आया कि हम सब एक है, जाति अलग हो धर्म अलग हो जो भी है, लेकिन इंसान इंसान है, एक है हम, तो अभी क्या करें। तो पीयूष पांडे के साथ उन्होंने मीटिंग रखी कि कुछ 4 लाइनें लिख के दो, तो उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा वगैरह लिख के दिया, तो मैंने यमन में बनाया था कुछ लाइनें वही लेकिन राग अलग धुन अलग, तो यमन में बनाया, भीम पलास में बनाया, और तीसरा जो बनाया जो अभी चल रहा है मतलब भैरवी में, हर लैंग्वेज के लिए उन्होंने मलिक साहब ने एक सेकंड रखे थे, मतलब मिनट भी नहीं सेकंड, कि 7 सेकंड तुम्हारे मराठी के लिए, 5.5 सेकंड गुजराती के लिए, 6 सेकंड, अरे मैं बोलो क्या फ़र्क पड़ता है 6 का 8 हो गया तो मैं और कविता हर लैंग्वेज में झगड़ा करते थे मलिक साहब के, बोला मेरे को मैंने होमवर्क किया है, मेरे को इतना ही चाहिए, तो फिर कैसा भी करके ये करके टेम्पो वेम्पो करके करते थे। पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, एम बाल कृष्णमूर्ति और सुचित्रा मित्रा के सुरों से सजे इस गीत को भारत सरकार ने दूरदर्शन पर 15 अगस्त 1988 को प्रसारित किया था। भारत के साथ साथ विदेशों में इस गाने की गूंज आज तक सुनाई देती है। आज भी खुद अशोक जी की आंखों के सामने गीत के रिकॉर्डिंग के दौरान घटे वो सारे लम्हे साकार हो उठते हैं। हमको इतना ये नहीं था कि हमने सब टुकड़े करके दिए थे मलिक साहब को, 15 टुकड़े ये लो, 14 टुकड़े हर लैंग्वेज के अलग अलग, लेकिन मैं अगर मेरे को आप पूछेंगे तो ये सब अगर 100 मार्क मेरे को आप देते हैं इसके लिए तो 200 मार्क लुई बैंक को देने चाहिए, उसने जो माला जो बनाई है शुरू से लेके आखिर तक एक में एक, थोड़ा म्यूजिक थोड़ा ये करके ता पा 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 जय है, तो उसके वजह से इतना सूदिंग हो गया। हा हा हा, लोग आज भी मतलब इतने साल के 30-35 साल हो गए रुक जाते, अगर कहीं जाते रास्ते में भी जाओ तो अरे इतना, लोग बोलते हैं कि जन गण मन वंदे मातरम के बाद ये तीसरा इसका नंबर है करके, तो ये भगवान की देन है मैं समझता हूँ। 6000 से भी ज्यादा म्यूजिक जिंगल का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले अशोक साहब की कामयाबी की दास्तान बहुत कुछ बयां करती है। कई छोटी बड़ी हिंदी मराठी फिल्मों में म्यूजिक कंपोज कर अशोक उन्हें हिट कर चुके हैं। खासकर मराठी फिल्मों के संगीत का जिक्र तो अशोक पत्की के नाम के बिना अधूरा सा लगता है। लोकप्रिय धारावाहिक श्रीमान श्रीमती, जी टीवी के चर्चित शो कमांडर, अमरावती की कहानियां के साथ मराठी सीरियल बादलवाट, गोटिया, आभल माया का बैकग्राउंड म्यूजिक हो या सीरियल प्रोमो, अशोक जी ने अपने सितार से ही सजाए हैं। सूरज जी इतने खुश हो गए, क्या बात है अशोक, यून तो अच्छे लेकिन बोल अच्छे हो, मैं पागल हो गया क्या, इतना रिश्ता है हमारे इसलिए बोल सकता हूँ। मैं बोला ये डमी वर्ड्स है, लिखे लिखवाएंगे किससे, अच्छा अच्छा है। बोला नहीं नहीं तुम ही लिखोगे पूरा गाना, तुम लिखो, तो इसलिए वजह से ये गाना मेरा पूरा राइटर एज ए लिरिक्स राइटर मेरा हो गया। अशोक साहब जैसा मुकाम इंडस्ट्री में बहुत कम संगीतकारों को मिला है।
इंडस्ट्री के हर छोटी बड़ी हस्तियां उनका नाम बड़ी अदब के साथ लेती हैं। गुरु शिष्य की परंपरा में उनका खासा यकीन है, खुद भी गुरु का आदर करते हैं और अपने शिष्यों को भी ऐसे ही संस्कार देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा पर अमल कर उन्होंने संगीत जगत को वो फनकार तोहफे में दिए हैं जिनके सुरों की दीवानी आज पूरी दुनिया है। गुरु रु, कमांडर, और इतना अच्छा हो गया सब। मेरे को मद्रास से फोन, यहाँ से इंडस्ट्री में से फोन, कौन लड़का गया हो? मतलब एक नया लड़का शंकर महादेव। अच्छा, तो उसका मेरे को नंबर देना, जाना मेरे को बुलाना है, नंबर दिया। मेरे ख्याल से 9-10 महीने के बाद शंकर मेरे को मिला, मतलब मिलता था, लेकिन बोला अशोक जी मैं आदाब गागा के थक गया हूँ अभी। तोबू साइकिल करके एक जिंगल आया करता था टीवी पे, अपनी तोबू साइकिल अभी तोबू साइकिल, ऐसा कुछ था उसका ट्यून। तो कभी शान ने गाया था मेरे पास कि कोई भी छोटा मोटा काम होता तो। अभी तो क्या मतलब मेरे साथ क्या भगवान की कृपा है कि एक बार आपके साथ हो गया, जैसा फैमिली डॉक्टर है हो जाता है ना, फैमिली डॉक्टर होता है कि बाबा उसको सब मालूम, वैसा मैं इन सबका फैमिली म्यूजिक डायरेक्टर। संगीत जगत के सभी बड़े फनकारों के साथ काम कर चुके अशोक जी को इस इंडस्ट्री में काफी सम्मान मिला है, जिसकी खास वजह रहा है अशोक का शांत, कोमल और मन को छू जाने वाला चंचल व्यवहार। उनके पास बताने के लिए ऐसे तमाम किस्सा गोई हैं जो उन्हें दूसरे संगीतकारों से अलग करते हैं। उस टाइम रफी साहब के साथ जो काम किया हमने असिस्टेंट करके था, तो मेरे को बोलते थे कल तुम आना सिखाने के लिए, तो थोड़ा बहुत मैं अच्छा गाता था उनसे, म्यूजिक डायरेक्टर से। तो उनके साथ दो दो तीन तीन रिहर्सल होते थे हर सिंगर का, मन्ना डे है, किशोर है, तो सबका रिलेशन मेरे साथ अच्छा हुआ था। तो बोलते थे कल सुबह तुम आना, यहाँ से अपन रिकॉर्डिंग में साथ में चलेंगे। और वहाँ रफी साहब पूछते थे ये गाना कौन गाने वाला है, शम्मी कपूर गाने वाला है तो आवाज़ अलग, तुम्हारा राजेंद्र कुमार है तो आवाज़ अलग, जॉनी वॉकर है तो अलग आवाज़। देख अपन गाना सुन के पता लगता है अपने को रफ़ी वही है, लेकिन आवाज़ सब चेंज। हाँ, तो ये उनका था। आजकल कोई किसी को पता नहीं क्या है, गाया पैसा लिया बस। अशोक पत्की ने अपनी किस्मत खुद लिखी। 76 साल के हो चुके अशोक साहब ने हाल ही में अपने जीवन फलसफा को बयां करती ऑटोबायोग्राफी लिखी है, सप्तसुर मांझे, बुक का मराठी एडिशन बाजार में मौजूद है। ये पुस्तक संगीत में आने वाली पीढ़ी के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। इसके साथ ही क्लासिकल संगीत को बढ़ावा देने के लिए पत्की महाराष्ट्र के पुणे में संचारी गुरुकुल नाम की एक संस्था के साथ जुड़कर संगीत की शिक्षा बांट रहे हैं। साल 2006 में आई मराठी फिल्म अंतरनाद के गीतों को कोंकणी भाषा में प्रस्तुत कर उन्होंने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड हासिल किया। साथ ही संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के साथ 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। 2006 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सावली करके एक मराठी फिल्म आई थी, वो भी क्लासिकल बेस्ड थी, क्लासिकल सिंगर की कहानी, तो उसका कोंकणी वर्जन बनाया था हमने गोवानिश। 2013 में लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। आज तक मैं किसी प्रोड्यूसर के घर में गया नहीं, ऑफिस में गया नहीं, कुछ नहीं। मेरा रेडियो में सुन के या तो टीवी पे सुन के लोग अपने, अरे अशोक हमारा भी एक काम है, अशोक हमारा। तो अपना काम सच्चा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तो अपने आप काम आ जाता है। जिंदगी का मज़ा आज वो अपने अंदाज में ले रहे हैं। दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ होती है, इसके बाद वो संगीत का रियाज करते हैं। संगीत ही उनकी पूजा है। सैर सपाटा, अच्छी महफिलों में शिरकत करने के साथ संगीत का ज्ञान बांटना इनके शौक में शुमार है। ज्यादातर वक्त घर में पत्नी और बच्चों के साथ बीतता है। ये बहुत कम बात करते हैं, लेकिन कम बात करते इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके, वो अपने ख्याल में रहते, कभी रात को कभी सुबह उठ के, खुद अभी तक हाँ पेटी लेके बैठे हो। अभी तक भगवान की कृपा से इतना काम है उनके पास कि 75 एज के अभी होने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत काम है और वो काम में ही व्यस्त रहते हैं। अशोक साहब संगीत की दुनिया में आज वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जिसे पाना किसी भी नए संगीतकार के लिए ख्वाब हो सकता है। तबला, सितार, मंजीरा के साथ संगीत के सभी यंत्रों के ज्ञाता अशोक का सफर जारी है। संगीत की दुनिया में जो कुछ उन्होंने हासिल किया है, आने वाली पीढ़ी उस पर अमल कर सके, अशोक के सुरों को समझ सके, यही उनकी दिली तमन्ना है।
तो शाम रंग बाहना नजर फिर फिरते।